बेस्ट पार्ट अबाउट गोइंग टू द जिम इन द मॉर्निंग इज वी कैन हैव प्री वर्कआउट। बहुत ही थिंग हो रही है पूरे सर में। एवरीबॉडी नोस आई बाय न्यू 7-सीटर कार। हे गाइस, दिस इज राज कदम, बैक विद अनदर वीडियो। सो कल से कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने फनी वर्कआउट किया था जिम में। अभी सुबह के 6:30 हो रहे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सो आपका दिन अच्छा जाए। एंड आज हम जाने वाले कोल्हापुर विद फ्रेंड्स। सो आज शाम को टाइम नहीं मिलेगा वर्कआउट करने के लिए। सो आई एम गोइंग राइट नाउ टू द जिम। सो बेस्ट पार्ट अबाउट गोइंग टू द जिम इन द मॉर्निंग इज वी कैन हैव प्री वर्कआउट जितना चाहे उतना। एंड इसमें 300 ग्राम्स ऑफ कैफीन है। सो आई एम गोइंग टू ड्रिंक दिस प्री वर्कआउट नाउ। ये मसल बेस का प्री वर्कआउट 300 है। एंड ये हमने एक पिछले व्लॉग में भी ट्राई किया था। आई एम गोइंग टू ड्रिंक दिस नाउ एंड विल बी गोइंग टू द जिम। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द एडिट। सबसे लास्ट में प्री वर्कआउट लेना चाहिए था, बट मैंने सबसे पहले ले लिया। उसके बाद तैयार हुआ। तो अभी पूरी ऐसे इचिंग वगैरह हो रही है, बहुत इचिंग हो रही है पूरे सर में। एंड फास्टेड हूँ। सो प्री वर्कआउट इज गोइंग टू हिट रियली हार्ड। ये देख रहे हो वेन, ये अभी पॉप आउट होना चालू है, पूरी इचिंग हो रही है। टुडेज पम्प गोइंग टू बी ऑसम मैन, रियली ऑसम। इट्स रियली कोल्ड आउट हियर एंड आज शिव जयंती भी है। सो ऑल द फ्लैग्स एंड शिव जयंती का सब कुछ चल रहा है। इट्स गुड टू सी। knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now I don't ever want to be alone। pre workout is hitting super duper hard to me। bahut itching ho rahi hai, bahut fasted tha isliye to bahut hard hit ho raha hai mujhe। aaj ka workout bahut awesome hone wala hai। we are going to get some insane pumps today। easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't want to be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled। it's so cold outside, I'm alone, I'm alright। it's so cold outside, I'm alone, I'm alright। it's so cold। I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now। I won't ever let my thoughts get away now। I got better things to do, picking fate now। I just wanna be the best, call me great now। I don't know if I'm okay or insane now। I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down। I fight, even when I don't know what is right। I'ma pick a side and I'ma take pride। I will decide my fate and I will never let them tell me who I am। If you try to shake me, I'll be damned। Planet on the ground is where I stand। Never give up, that was always the plan। It's so cold outside, I'm alone, I'm alright। it's so cold outside, I'm alone। I'm going to leave now and जय मुझे लेने आने वाला है। तो आज हम कोल्हापुर जाने वाले हैं बिकॉज उसका कुछ तो काम है। मैं और अथर्वा उसके साथ एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं एंड उसका फ्रेंड भी आने वाला है नमन। सो आई वोंट बी स्पीकिंग मच टुडे, मैं वॉइस ओवर में बता दूंगा कि क्या क्या होता है फुल डे में, जिससे आपको सब समझ में आएगा। एंड मैंने ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन ओट्स खाया। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट्स रेसिपी, लिंक विल बी हियर, गो वॉच इट, आई नो यू गोना लव इट। तो चलते हैं अभी। Jay's family is planning to buy new 7-seater car. So हम कोल्हापुर को वो कार देखने के लिए गए थे। Firstly we went to Mahindra showroom to see XUV700 and then we went to Kia showroom to see their newly launched cars. I was excited to see this car too. And then we went to Kawasaki showroom to see their Ninja 300. I have more interest in bikes than cars, so I was super excited to see these bikes than cars. Then we went to Magdi in Y Patil Mall. Then it was time to come back home. So this was all about the video guys. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।